हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको मटन बनाने का सबसे आसान और इजी तरीका बताने वाला हूँ। जितनी देर में आप चिकन बना के तैयार करते हैं ना, उतनी देर में आप मटन बना के तैयार कर पाएंगे और ये खाने में इतना टेस्टी बनेगा कि बार बार आप इसी रेसिपी को ट्राई करोगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पे मैंने मटन लिया है। ये देखिए, इसमें नली के पीसेज हैं, चाप है, इसके साथ में बोनलेस पीसेज डलवाए मैंने। तो मटन को अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। अब आपने मटन को ना मैरिनेट करना है। 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर या देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। और थोड़ा सा आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर डालना है। 1/2 चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। कच्चा जीरा पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसके साथ में 1/2 चम्मच आप इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। साथ में आपने दही ऐड करना है, तो कम से कम 100 से 150 ग्राम आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। कि देखिए, 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें दही ऐड किया है। और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मटन को अच्छे से आप मैरिनेट कर लीजिए। तो 1 किलो मटन बनाने के लिए मैंने जितने मसालों का यूज किया है, उतने ही आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। और अगर आप 1/2 किलो मटन बना रहे हैं तो मसालों की क्वांटिटी हाफ कर दीजिए। तो मटन को अच्छी तरह से मिर्च मसालों के साथ मैरिनेट कर लिया है। इसके बाद आपने एक प्रेशर कुकर लेना है। 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कीजिए। थोड़े से खड़े मसाले डालने हैं, 1 से 2 तेज पत्ता। 1 टुकड़ा आपने इसमें दालचीनी ऐड करना है। 2 से 3 आप इसमें बड़ी इलायची ऐड कर दीजिए। छोटा सा पीस आपने इसमें जावित्री ऐड करना है। 3 मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं। 3 से 4 आपने इसमें छोटी इलायची ऐड करनी है। मसालों को हल्का सा गर्म होने दीजिए। जैसे मसाले गर्म हो जाएंगे ना, इसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है। तो ये देखिए, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है यहाँ पे दानेदार हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर देना है। और अभी आपने पानी का यूज नहीं करना है। पानी डालेंगे तो दही जो होता है ना, वो कर्डल हो जाता है, दही फट जाती है। तो पहले आपने 2 से 3 मिनट तक मटन को ना ऐसे ही पकाना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में मटन को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और पलटा आपने बीच बीच में यहाँ पे चलाते रहना है। तो यहाँ पे मुझे मटन को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और इसमें कितना सारा पानी है, कहां से आया? मटन के अंदर भी मॉइस्चर होता है। जो मैंने इसमें दही ऐड किया था उसने पानी छोड़ा है। तो इतनी देर आपने पहले मटन को पका लेना है, फिर आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो पानी आपने इसमें कितना ऐड करना है? 2 से 3 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। ज्यादा पानी नहीं डालना है। ज्यादा पानी डालेंगे तो नमक मिर्ची का जो टेस्ट है मटन के अंदर तक नहीं जाता है। अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लिया है, ऊपर से कवर कर देते हैं। अब 1 बिसलाने तक आपने मटन को हाई फ्लेम में पकाना है और टाइमिंग भी देख लीजिए, 6:38 हुए ना। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है, 15 से 20 मिनट इसको पकने देना है। ये देखिए, 6:55 हो गया है, मैंने इसको 17 मिनट तक पकाया है। और लास्ट में जब बिस्ला आएगी ना, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। इसी में आपने स्टीम रहने देनी है, कुकर खोलना नहीं एकदम से। तब तक मसाला बना लीजिए। मसाला बनाने के लिए 2 टमाटर, 3 प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च ली है। जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप कर लेना है। तो ये देखिए, प्याज की एक साइड में कट लगाइए, फिर दूसरी साइड में आपने कट लगाने हैं। इसके बाद प्याज को आप 1/2 कर दीजिए और सीधा रख के इस तरह से पकड़ के आप इसको फाइन चॉप कर लीजिए। या फिर आप प्याज को स्लाइस काट सकते हैं। स्लाइस भी नहीं काटना चाहें तो प्याज को पीस के भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से आपने टमाटरों को भी बारीक काट लेना है। देखिए, टमाटर को आप 1/2 कर लीजिए। इस तरह से आपने टमाटर में कट लगाने हैं और जैसे आप कट लगाएंगे उसका सीधा पकड़ के टमाटर को भी फाइन चॉप कर लीजिए। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को आपने इसी तरह से काट लेना है। देखिए, कटिंग कर ली है मैंने यहाँ पे और हरी मिर्च को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मोटा मोटा काटा है। थोड़े से आपको और मसाले चाहिए होंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालिए, बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। अभी हमने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। 2 बड़े चम्मच हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें बारीक कटवा प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने ना हाई रखनी है। हाई फ्लेम में प्याज को आप अच्छी तरह से पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ओके, देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है ताकि प्याज जो जले ना। और थोड़ा सा आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए। थोड़ा पेस्ट हमने मटन में पहले भी ऐड किया था, पर नॉनवेज डिश में अदरक लहसुन का जो पेस्ट है थोड़ा सा ज्यादा यूज किया जाता है, उससे अच्छा टेस्ट आता है। अब देखिए, प्याज का जो कलर है यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को जल्दी से प्याज के साथ आपने मिक्स कर लेना है ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है ना, वो यहीं रुक जाए। इससे ज्यादा प्याज को पकाएंगे
उससे ना कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। टमाटरों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी गल जाए। और नमक आपने इसके बाद कम ही डालना है क्योंकि हमने नमक पहले भी मटन की मैरिनेशन में ऐड किया था। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई रखनी है और टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है। तो जब तक टमाटर पक रहे हैं मटन चेक कर लेते हैं। देखिए स्टीम अपने आप निकल गई थी ना, इसके बाद आपने ढक्कन खोलना है कुकर का। तो क्या आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया है और देखिए मटन जो है अच्छा सॉफ्ट भी हो चुका है। अगर आपको लगे कि मटन थोड़ा कच्चा है, एक से दो भी स्लाप और लगवा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, अच्छे से टमाटरों को मैंने पका लिया है। अब इसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा ना ब्राउन प्याज है ना, थोड़ा सा ब्राउन प्याज डाल दीजिए, इससे ग्रेवी की जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी और टेस्ट और बेहतरीन हो जाएगा। नहीं है आप एक प्याज एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, जब मैंने चॉप करके प्याज डाले थे वहां पे मैंने तीन प्याज का यूज किया था, आप चार प्याज का यूज कर सकते हैं। और ब्राउन प्याज को आपने ना मसल के डालना है, मैश करके डालना है। और अच्छी तरह से देखिए प्याज को मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद इसमें मसाले भी ऐड कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम में एक से डेढ़ मिनट तक मसालों को पका लीजिए। जैसे आप मसालों को थोड़ी देर पकाएंगे ना, ग्रेवी का जो कलर है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो आप इसमें पानी की जगह मटन का स्टॉक ऐड कीजिए। वही स्टॉक ऐड करना है जो आपने मटन को बॉईल करते टाइम बनाया होगा। तो आधा ही मैंने स्टॉक यूज किया है यहाँ पे मटन का। और थोड़ी देर मसालों को आपने ना भून लेना है। ये देखिए मसालों को भून लिया है, मिर्ची डालना मैं भूल गया था, तो मिर्ची आप पहले ही इसमें डाल दीजिएगा और मिर्ची को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मसाले को आपने तब तक भूनना है जब तक आपका मिक्सर बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। जैसे मिक्सर स्मूथ हो जाएगा, जो मटन में यहाँ पे स्टॉक बचा होगा ना वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। और पीसीज नहीं डालने हैं क्योंकि पीसीज थोड़े ज्यादा ही सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे मटन के पीसीज नहीं डाल रहा हूँ अभी। पहले ना ग्रेवी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं, फिर आप इसमें पीसीज ऐड कीजिएगा। तो ओके देखिए ग्रेवी में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। इसके बाद आपने इसमें मटन के सारे पीसीज यहाँ पे डाल देने हैं। अगर आपके पीसीज ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाएं तो इनको आपने ज्यादा पकाना नहीं है, ग्रेवी के साथ सिर्फ मिक्स कीजिए। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको सर्व कर दीजिए। तो 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में मटन के पीसीज को भी ग्रेवी के साथ पकने दीजिए। अगर आप पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो जब हमने ग्रेवी को गर्म किया था थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से मटन मसाला बना के तैयार करना चाहते हैं ना, तो इसमें आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, बाकी गर्म मसाला वगैरह मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। तो ये देखिए कि हमारा मटन जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। इस तरह से आप इसको बना के देखिए, बहुत ही जबरदस्त का टेस्ट आता है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।